सुप्रभात बच्चों, बच्चों आज मैं हिंदी में आप लोगों को शब्द बनाना बता रही हूँ। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, शब्द अक्षरों के सही मेल से बनते हैं। यदि हम अक्षर को सही ढंग से ना रखें तो शब्द नहीं बनता है, उसका कुछ अर्थ नहीं होता है। तो सब अक्षरों के सही मेल से हम शब्द बनाते हैं। जैसे ये है ब और अ, इसको यदि हम ब और लिखें तो ये शब्द नहीं हुआ। अगर इसे हम अ व अम लिखें तो ये शब्द हुआ, क्योंकि इसका तो अर्थ होता है। तो अक्षरों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं। अक्षरों को हम सही ढंग से रखेंगे तभी शब्द बन सकता है। तो चले हम देखें हम शब्द किस तरह बनाते हैं। आज मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। अब कौसे कलम, कौसे कलश, कौसे खट, कौसे खटमल, गौसे गमक, गौसे गमला, गौसे घर, गौसे घड़ी। अगर से शब्द शुरू नहीं होते हैं, वे शब्दों के बीच में आते हैं लेकिन शुरू में नहीं आते हैं, इसलिए हम चौसे शुरू करते हैं। चौसे चरखा, चौसे चल, छौसे छाता, छौसे छड़ी, जौसे जहाज, जौसे जल, झौसे झरना, झौसे झंडा। यहाँ से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए हम तौ से बना लें। तौ से टमाटर, तौ से टम, छौ से छठेरा, छौ से छठ, दौ से डमरू, दौ से डर, दौ से ढोलक, ढौ से ढक्कन, नौ से बड़ी, नौ से भी नहीं शब्द शुरू होते हैं, इसलिए मैं चौ से बना रही हूँ। चौ से तरबूज, चौ से तबला, चौ से खरमश, से फन, दो से दवात, दो से दवा, दो से धनुष, दो से धन, नौ से नल, नौ से नटखट। तो आज हमने कौ से नौ तक पढ़ा। अब इसके आगे, नौ के आगे प आता है, प वर्ण आता है, तो प वर्ण से हम यहाँ लिखते हैं। प से पतंग, प से पवन, फ से फसल, फ से फल, ब से बत्तख, ब से बटन, भ से भालू, भ से भवन, म से मगर, म से मटर। तो प से लेके म तक भी हमने पढ़ा। अब य से यज्ञ,
से रथ, र से रबर, ल से लट्टू, ल से लड़का, व से वक, व से वजन, कालम से शलगम, कालम से शहर, अक्षरों से शब्द बनाना सीखा। आप इसे घर पे भी देखोगे और पढ़ोगे। तो आज के लिए